नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। जो झुकेगा वो तर जाएगा और जो अकड़ेगा वो टूट जाएगा। मुनि संधान सागर जी पर्युषण पर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्वक धर्म। बड़वानी दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र बावन गजा पर विराजित आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी एवं संधान सागर जी महाराज के सानिध्य में पर्वराज पर्युषण बड़ी भक्ति धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें मुनि दुर्लभ सागर जी साधना में रत हैं, तो मुनि संधान सागर जी द्वारा आराधना के साथ प्रभु की साधना करवाई जा रही है। मुनि संधान सागर जी महाराज ने प्रातः प्राणायाम सभी शिविरार्थियों को कराकर प्राणायाम के बारे में कई बारीकियां बताई। मुनि श्री ने दोपहर में मुनिश्री ने तत्वार्थ सूत्र की क्लास ली। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी मुनिश्री के दर्शनार्थ पधारे। दोपहर सत्र में बाला बच्चन ने और साथियों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी के चित्र का अनावरण किया और दीप प्रज्वलन किया। मुनि को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ट्रस्ट कमेटी की ओर से जितेंद्र गोधा, विनोद दोषी, नरेश पाड़िया, इंद्रजीत मंडलोई, मनीष जैन माला पगड़ी पहनाकर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। बाला बच्चन ने कहा, आप सभी भाग्यशाली हैं जो पवित्र सिद्ध भूमि पर संतों का आशीर्वाद पाकर संतों को सुन रहे हैं। मैं और मेरे साथी भाग्यशाली हैं जो आप जैसे संतों के दर्शन पाकर धन हो गए। जैन संत ही जिनकी साधना से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, समाज को शक्तिशाली बना रहे हैं। बावन गजा की धारा पवित्र है, ऐसे तपस्वी संतों की चरण रज पढ़कर और पवित्र पुण्य धरा हो गई है। मीडिया प्रभारी मनीष जैन ने जानकारी देते हुए बताया। इस अवसर पर मुनि संधान सागर जी ने आशीर्वाद देते हुए बच्चन जी से कहा कि यदि आप यहां जमीन उपलब्ध करवा दो तो हम यहां गौशाला बना दें, जिसमें कम से कम 1008 गाय रख सकें और इनको गौशाला में रखने से वो कटने से बच जाएंगी। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला ब्यूरो चीफ शकील मंसूरी की रिपोर्ट। ज्ञान का दिया जला दो कर तुम आज मेरे लिए